हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एसबी टेक। मैं हूं आपका दोस्त शुभेंदु। आज का वीडियो में दोस्तों हम लोग क्रिएट करेंगे इमेज रिसाइजर टूल। जो टूल क्रिएट करने के लिए आपको होस्टिंग का ज़रूरत होता है और डोमेन के साथ होस्टिंग में इसको आपको बनाया जाता है या कोई वर्डप्रेस वेबसाइट में इसे क्रिएट करा जाता है। लेकिन आज यूट्यूब में पहली बार मैं आपके लिए ये टूल ब्लॉगर में क्रिएट करेंगे। आप लोगों के लिए बहुत मेहनत से मैंने इस टूल को इम्प्लीमेंट किया हूँ, इसलिए दोस्तों वीडियो को शुरू से लेके आखिर तक ज़रूर देखिएगा ताकि आपसे ये टूल सही से बन जाए और कहीं आपको कोई परेशानी ना आए। अगर आप पहली बार मेरे चैनल में आए हो तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑल पे सेलेक्ट कर दो ताकि आने वाला हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिले। तो चलिए दोस्तों हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको आ जाना है ब्लॉगर में, आके वहाँ में आपको एक न्यू ब्लॉग क्रिएट कर लेना है। न्यू ब्लॉग कैसे क्रिएट करना है ये शायद आप सभी को पता है। यहाँ में आप क्लिक करेंगे तो यहाँ आपको अपना वेबसाइट का एक नेम देना होगा। नेक्स्ट में क्लिक करने के बाद आपको आपको डोमेन नेम, अपना पसंदीदा यूआरएल डोमेन नेम टाइप करने का ऑप्शन आ जाएगा। टाइप करने के बाद सेव करेंगे तो आपका वेबसाइट बन जाएगा। आपका टाइम ज़्यादा नष्ट ना हो इसलिए मैंने पहले से ही एक वेबसाइट क्रिएट करके रखा हूँ। तो चलिए मैं उसी में आपको ये टूल ला के दिखा देता हूँ। ये टूल आप ब्लॉगर में, ब्लॉगर पोस्ट में भी लगा सकते हैं और वन पेज वेबसाइट में भी आप लगा सकते हैं। मैं आपके लिए ये टूल आज वन पेज वेबसाइट मतलब एक ब्लॉगर में सिर्फ एक ही टूल आपके वेबसाइट में दिखेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आपको थीम में क्लिक करना है। जब आपको नया वेबसाइट आप बनाइएगा तो आपके सामने ऐसा एक डैशबोर्ड शो होगा जिसमें ऐसा पिक्चर के साथ आपका यहाँ में थीम मिलेगा। तो क्या करना है, सबसे पहले आपको यहाँ जो एडिट एचटीएमएल का पास में जो एरो है इसको क्लिक करके एकदम थर्ड नंबर में यहाँ आपका लिखा रहेगा स्विच टू सेकेंड जनरेशन क्लासिक थीम, इसमें आपको क्लिक करना होगा और स्विच विदाउट बैकअप में क्लिक कर देंगे तो आपको सामने थीम बन के तैयार हो जाएगा। मतलब ये थीम अभी आपको आपका टूल वेबसाइट के लिए तैयार हो गया। अच्छा, अभी क्या करना है, ये राइट साइड वाला एरो में क्लिक करके आपको चेंज नंबर में जाना है और इसको ऑफ करके यहाँ एरो में क्लिक कीजिएगा तो लिस्ट आ जाएगा। इसको ऑफ में सिलेक्ट करके आपको सेव कर देना है। बाकी आपको और कुछ करने का ज़रूरत नहीं है। और सेटिंग कैसे करना है, ब्लॉगर का एसईओ सेटिंग आपको कैसे करना है, कस्टम डोमेन मतलब आपका खुद का डोमेन नेम आप कैसे इसमें ऐड कीजिएगा और कैसे आप गूगल सर्च कंसोल में ऐड कीजिएगा, ये सब का वीडियो आपको डिस्क्रिप्शन प्लेलिस्ट में मेरा मिल जाएगा, वहाँ देख के आप आसानी से कर पाएंगे। तो चलिए हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं। अभी मेन काम जो है हम लोगों को ये एडिट एचटीएमएल वाला ऑप्शन में क्लिक करना है। तो यहाँ क्लिक करते हैं, आपके सामने जो कुछ जो भी कोड मिलेगा उसको आपको कंट्रोल प्लस ए बटन प्रेस करके सिलेक्ट कर लेना है, उसके बाद उसे डिलीट कर देना है। और मैं आपको जो कोड दे रहा हूँ वो कोड को यहाँ पेस्ट करना है। तो वो कोड आपको कहाँ से मिलेगा, वो कोड के लिए आपको जाना होगा sbtech.sciencetv.in इस वेबसाइट में। इस वेबसाइट का लिंक आपको वीडियो का डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से भी आप आ सकते हैं, नहीं तो गूगल में आप टाइप कीजिएगा sbtech.sciencetv.in तो आप इस वेबसाइट में पहुँच जाएगा। पेज को स्क्रॉल करते ही आपको नीचे ये आर्टिकल मिल जाएगा, क्रिएट इमेज कन्वर्टर टूल रिसाइज योर इमेजेस विथ इजी इन ब्लॉगर एंड वर्डप्रेस। तो अगर आपको डायरेक्ट ये आर्टिकल नहीं मिलता है तो आप सर्च बार में यहाँ में इमेज रिसाइजर लिखिएगा, ये जो स्पेलिंग है इमेज रिसाइजर, तो आपको ये टूल मिल जाएगा। दोस्तों मैं वीडियो को कहीं काट नहीं करूँगा, आपको स्टेप बाय स्टेप दिखाऊँगा इसीलिए कि ताकि मुझे इस टूल को लेने में जो भी परेशानी आए आपको भी सेम परेशानी का सामना करना पड़ सकता है तो आपको आगे जाके कोई परेशानी ना हो। तो आपको क्या करना है, इसमें क्लिक करना है,
देखिए, क्लिक करते ही आपको आपके सामने एक ऐड वाला पेज ओपन हो गया। आपको इसे क्रॉस कर देना है, दोबारा इसमें क्लिक करना है। जितने बार आपके सामने ऐड वाला पेज आएगा उतने बार आप उसको क्रॉस कर दीजिएगा। तो देखिए, आपके सामने ये पेज आ गया। तो दोस्तों, ये जो पॉपअप आया इसको लेके आप सभी को एक डाउट रहता है। आप सभी दोस्तों का मेरे पास कमेंट आता है कि सर, आप अपना वेबसाइट में सब्सक्राइब वाला ऑप्शन लगा के रखे हैं, लेकिन हम लोग सब्सक्राइब करते हैं लेकिन आपका वेबसाइट से हमें टूल नहीं मिलता है, स्क्रिप्ट हमें नहीं मिलता है, आप फेक वीडियो बनाते हो। तो दोस्तों, कोई फेक नहीं है। इस ऑप्शन को कैसे आप पार कीजिएगा ये आज मैं आपको दिखाऊंगा। आपको क्या करना है, आपको ये सब्सक्राइब वाला बटन में क्लिक करना है। तो देखिए, आपके सामने ऐड वाला पेज आ गया। तो आप यहाँ से ऐड वाला पेज को क्रॉस कर दीजिए। दोबारा आपको सब्सक्राइब वाला बटन में क्लिक करना है। जब तक आपके सामने यूट्यूब वाला पेज ना आए तब तक आपको ऐड वाला पेज को क्रॉस करते जाना है। इसको देखिए, अभी यूट्यूब का पेज खुल रहा है। तो यूट्यूब पेज जैसे ही खुलेगा आपको ये सीधा मेरे चैनल में लेके जाएगा। आप वहाँ से अपना चैनल को, ये मेरा ही यूट्यूब चैनल है तो मेरा खुद का चैनल है इसलिए मुझे सब्सक्राइब करना नहीं दिखाएगा। तो आप क्या कीजिएगा, इसको चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद इस पेज को क्रॉस कर दीजिएगा। तो आपको आर्टिकल में दोबारा वापस लेकर आएगा। कुछ सेकंड आप इंतज़ार कीजिएगा तो आपके सामने ये आर्टिकल खुल जाएगा। और दोस्तों, आप मोबाइल से कर रहे हैं तो आप यूट्यूब चैनल को क्रॉस करने के बाद नीचे में जो मिनिमाइज वाला बटन आपका होता है मोबाइल का, उसमें क्लिक कीजिएगा तो ये वेबसाइट का पेज आपको दिखेगा। उस पेज को आप क्लिक करके कुछ सेकंड वेट कीजिएगा तो आपके सामने ये आर्टिकल खुल जाएगा। तो दोस्तों, मैंने आपके लिए ये टूल के बारे में पूरा डिटेल्स यहाँ लिख के रखा हूँ। कैसे आप इस टूल को क्रिएट कीजिएगा स्टेप बाय स्टेप मैं इसमें डाल के रखा हूँ। आप वन पेज वेबसाइट कैसे बनाइएगा और ब्लॉगर के पोस्ट में इसको कैसे आप यूज़ कीजिएगा, वो भी मैं इसमें आपको पूरा डिटेल्स में दिखा के रखा हूँ। तो आपका टूल दोस्तों इस टाइप का दिखेगा। और आप यहाँ नीचे स्क्रॉल कीजिए तो आपको नीचे में देखिए, ये रहा आपका टूल दोस्तों। तो यहाँ डिटेल्स में मैं दिखाया हूँ। तो देखिए, यहाँ मैं स्टेप बाय स्टेप आपको दिखाया हूँ कि आप वीडियो देख के अगर समझना है तो आप यहाँ पढ़ के भी खुद से बना पाएंगे। तो दोस्तों, ये रहा आपका कोड। आपको ज़्यादा कुछ करना नहीं है, इसको स्क्रॉल करके एकदम नीचे देखिए, यहाँ जो लिखा है क्लिक हेयर टू कॉपी, यहाँ आप क्लिक करेंगे तो देखिए आपका कोड कॉपी हो जाएगा। इसको लेके हम लोग सीधा ब्लॉगर में पेस्ट कर देंगे, और कोई काम नहीं है दोस्तों। तो अभी यहाँ से मैंने कोड को कॉपी कर लिया। मेरे पीसी में भी ये कोड मौजूद है लेकिन मैं आपको डायरेक्ट दिखाऊंगा कि कैसे यहाँ से डायरेक्ट आप कॉपी करके बनाएंगे। तो इस ब्लैंक एरिया में हम कोड को पेस्ट करेंगे, उसके बाद इस कोड को हम सेव कर देंगे। तो सेव हो रहा है, देखिए सक्सेसफुली अपडेटेड हो गया। अभी हम लोग बैग जाएंगे, बैग जाके एक बार व्यू ब्लॉक करके देखेंगे कि हमारा टूल वर्क कर रहा है कि नहीं और कैसा बना है। तो लोडिंग हो रहा है दोस्तों, नेटवर्क का थोड़ा प्रॉब्लम है। देखिए, ये रहा अपना पिक्चर रिसाइजर टूल। तो ये काम कैसे करता है तो चलिए वो भी हम देख लेते हैं। आप कोई भी इमेज हो, किसी भी साइज में आप उसको बनाना चाहते हैं, ये टूल वो इमेज आपको जनरेट करके देगा। दोस्तों, ऐसा टूल ब्लॉगर में शायद पहली बार ही होगा क्योंकि मेरे नज़र में ब्लॉगर में ऐसा टूल आया नहीं। मैं बहुत मेहनत करके आप लोगों के लिए बनाया। अगर वीडियो आपको पसंद आ रहा है तो ज़रूर लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं की हो तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑल करके मेरे साथ बने रहिए। तो मैं यहाँ में एक साइज़ दे देता हूँ रैंडमली, 1080x720 मैंने यहाँ लिख दिया। आपको क्या करना है, चूज फाइल वाला जो बटन है यहाँ में आपको क्लिक कर देना है। तो ये आपको सीधा आपके गैलरी में लेके जाएगा। तो हम यहाँ क्लिक किए तो चलिए एक फोटो हम आप लोगों के लिए सिलेक्ट कर लेते हैं ताकि आपको भी पता चले कि ये टूल काम कर रहा है कि नहीं और मैं मेरा मेहनत रंग लाया कि नहीं, ये भी देखना जरूरी है दोस्तों। तो
तो आपके लिए जितना इम्पोर्टेंट है मेरे लिए भी उतना ही इम्पोर्टेंट है। तो चलिए इस फोटो को हम सिलेक्ट किए। अभी जैसे ही हम यहाँ रिसाइज पिक इमेज रिसाइज वाला जो ये ग्रीन कलर का बटन है इसमें क्लिक करेंगे तो देखिए मैंने जो साइज का फोटो जनरेट करने के लिए बोला वो फोटो हमारा जनरेट हो चुका है। और सबसे नीचे देखिए दोस्तों यहाँ से यहाँ क्लिक करते ही आपका इमेज ऑटोमेटिकली डाउनलोड हो जाएगा। तो देखिए मैं यहाँ क्लिक करता हूँ, देखिए ये कोने में आपका जो रिसाइज हुआ फोटो यहाँ में ऑटोमेटिकली डाउनलोड हो गया। आप इसे कोई भी साइज में कन्वर्ट कर सकते हैं। चलिए मैं आपको इसको दूसरा साइज में करके दिखाता हूँ। तो मैं इसको 220 220 कर लेता हूँ। जो साइज मर्जी दोस्तों आपका दिमाग में जो साइज आए जो साइज में आप फोटो को जनरेट करना साइज चाहते हैं उसी साइज में जनरेट कर पाएंगे। देखिए मैंने जो साइज सिलेक्ट किया ये उसी साइज में बन गया। अभी दोबारा इसमें आप क्लिक करके इसको डाउनलोड कर सकते हैं। आपको कोई दूसरे सॉफ्टवेयर का जरूरत भी नहीं पड़ेगा। आप जैसे ही डाउनलोड रिसाइज इमेज में क्लिक करेंगे आपका इमेज तुरंत डाउनलोड हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि आपको वीडियो पसंद आया है। अगर इतना दूर तक आप देखे हैं इसके लिए थैंक यू। अगर वीडियो पसंद आया तो ज़रूर लाइक कीजिए, दोस्तों में शेयर कीजिए और वीडियो को अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन बेल को ऑल पे सेलेक्ट करके रखिए ताकि आने वाला हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिले। दोस्तों मैं आपके लिए हमेशा ऐसा नया नया टूल लेके आऊँगा और लाता भी रहा हूँ। तो आप लोगों के प्यारी मेरे लिए दोस्तों सब कुछ है। आप ज़रूर देखिए ये पिक्चर मैं यहाँ में बनाया दूसरा एक पिक्चर कि सेम पिक्चर में आपको डाउट हो सकता है इसलिए मैंने दूसरा पिक्चर भी आपके लिए सिलेक्ट कर लिया। तो इस पिक्चर देखिए ये भी रिसाइज हो गया, इसको भी हम क्लिक करेंगे तो ये तुरंत डाउनलोड हो जाएगा। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक आप चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑल पे सेलेक्ट करके रखिए और वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो ज़रूर लाइक कीजिए। आपके मन में कोई भी सवाल हो तो कमेंट बॉक्स में राइट कीजिए। तो दोस्तों मिलते हैं अगले नए वीडियो में नए टूल के साथ, तब तक के लिए थैंक यू बाय।